सो हियर व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी स्क्रीन पे चलते इस गेम प्ले को देखो। एंड यस गाइस, तुम लोगों ने जो है बिल्कुल सही गेस किया, इस गेम का नाम है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। एंड लिटरली मैं इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे रन कर रहा हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। एंड आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि यार जैसा कि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि यार ये पीसी का कितना ज्यादा हाई एंड गेम है, जिसका साइज ऑलमोस्ट मोर देन 100 GB है यार। एंड कई सारे पीसीज भी जो है इस गेम को स्मूथली रन नहीं कर पाते हैं, बट तुम लोग देख सकते हो कि मैं इस गेम को अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर लिटरली अपने मोबाइल फोन में कितनी स्मूथली रन कर पा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यार आज की इस वाली वीडियो को देखने के बाद तुम लोग खुद इस गेम को जो है अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे रन कर पाओगे, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग इस पीसी के इतने हाई एंड गेम को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में बिल्कुल फ्री में प्ले कर सकते हो। तो इस गेम को जो है अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर खेलने के लिए तुम लोग को जो है ना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, और वो है एक अच्छी इंटरनेट स्पीड। तो समझ लो अगर तुम्हारे पास एक अच्छी इंटरनेट स्पीड है तो तुम लोग इस गेम को जो है हाई रेजोल्यूशन पर भी एकदम स्मूथली रन कर पाओगे, एंड वो भी काफी लंबे टाइम के लिए। तो मुझे पता है कि मेरी इन बातों को सुन के तुम्हारी एक्साइटमेंट एकदम पीक पर पहुंच गई होगी। एंड इससे पहले कि भाई ऑब्वियसली तुम लोग जो इस वीडियो को स्किप करना चालू करो, बिना किसी देरी के फटाफट से अपन अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि यार तुम कैसे इस गेम को जो अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे रन करने वाले हो। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है वेल क्लाउड एमुलेटर। अब देखो ये एक्चुअल में एक चाइनीज एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली तुम्हें प्ले स्टोर पे तो नॉर्मली देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड अगेन शायद से मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें एक्चुअल में इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है। अब देखो चाइनीज नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नॉर्मली एक ही चीज आती है, और वो है स्कैम। एंड लोगों को यही डर रहता है कि यार उनके फोन में जो है कोई वायरस या फिर कोई मेलवेयर ना आ जाए ऐसे किसी ऐप को डाउनलोड करने से। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने खुद इस ऐप को कई सारे सॉफ्टवेयर से स्कैन किया है, एंड मैंने तो यार इसमें एक्चुअल में कभी भी ऐसा कोई थ्रेट नहीं देखा है लाइक वायरस या मेलवेयर का, जो कि तुम्हारे डिवाइस को एक्चुअल में हार्म करे। बट स्टिल तुम्हें इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ सिक्योरिटी स्टेप्स एक्चुअल में लेने पड़ेंगे। जैसे अगर ये ऐप जो है तुमसे अपडेट करने को कहता है, तो ये ऐप एक्चुअल में तुम्हारी फाइल्स, फोटोज और मीडिया का एक्सेस मांगता है। अब तुम्हें जो है इस परमिशन को अलाउ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पर से इसके बिना ये ऐप जो है अपडेट नहीं होगा, और अगर ये एमुलेटर जो है अपडेट नहीं होगा तो उसके बिना यहाँ पर से तुम लोग इसमें जो है गेम्स को रन नहीं कर पाओगे। बट मेक श्योर कि जैसे अपडेट कंप्लीट हो जाए तुम लोग इस ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके इसके ऐप इन्फो वाले ऑप्शन में जाकर जितने भी मीडिया, फोटोज और फाइल्स है उनका परमिशन जो है डिनाई कर दो, ताकि तुम्हारी प्राइवेसी एक्चुअल में मेंटेन रहे और ये ऐप एक्चुअल में तुम्हारी कोई भी ऐसी फोटोज और वीडियोज को यहाँ पर से एक्सेस ना कर पाए। अब ये तो हो गया पहला सिक्योरिटी स्टेप, बट दूसरा इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड वो है इंस्टॉल अननोन ऐप वाली परमिशन। अब बहुत लोग इस परमिशन को एक्चुअल में इग्नोर कर देते हैं, बट यही सबसे ज्यादा डेंजरस परमिशन होती है, क्योंकि इस परमिशन को अलाउ कर देने से ये ऐप तुम्हारे फोन में कोई भी मेलवेयर या वायरस वाली फाइल इंस्टॉल कर देगा, वो भी बिना तुम्हारी परमिशन के। ओ सॉरी भाई, तुम्हारी अपनी परमिशन अलाउ करने की वजह से। तो इसीलिए गाइस यार मेक श्योर कि जैसी ऐप जो है अपडेट हो जाए तो उसके बाद तुम अपनी सेटिंग्स में जाके इस परमिशन को जो है डिनाई कर दो। ओके, तो ये तो फिलहाल बात हो गई सिक्योरिटी स्टेप्स की, बट अभी तो यार काफी कुछ बाकी है। अब जैसे ही तुम लोग जो है वेल क्लाउड एमुलेटर को डाउनलोड कर लेने के बाद ओपन करोगे, तुम लोग को जो है कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिल जाने वाला है, जहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में काफी ज्यादा बड़ी ट्रिपल ए गेम्स की लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाने वाली है। बट अभी इतनी जल्दी एक्साइटेड मत होने लगना, बिकॉज तुम्हारे पास अभी फ्री प्ले टाइम नहीं है। तो फ्री प्ले टाइम क्लेम करने के लिए तुम्हें जो है सबसे पहले तो यहाँ पर से जो है इस ऐप में लॉग इन करना होगा, और लॉग इन करने के लिए तुम्हें जो है बेसिकली इस माई वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना होगा। और जैसे ही जो है तुम लोग इस पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने जो है कुछ ऐसा सा इंटरफेस आने वाला है, जहाँ पे तुम्हें इसमें अपने गूगल अकाउंट से जो है लॉग इन करना होगा। बट एक चीज मेक श्योर करना कि तुम्हें एक्चुअल में इसमें अपने मेन गूगल अकाउंट से लॉग इन मत करना। मतलब कि यार अगर तुम्हारे पास एक्चुअल में ऐसा कोई स्पेयर गूगल अकाउंट है जिसको तुम एक्चुअल में ज्यादा यूज नहीं करते हो, तो तुम लोग एक्चुअल में जो है इसमें इससे लॉग इन कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि तुम लोग एक्चुअल में इसमें अपने मेन गूगल अकाउंट से लॉग इन मत करना। अब जैसे ही तुम लोग जो है सारा का सारा लॉग इन प्रोसेस यहाँ पर से जो है कम्प्लीट कर लोगे, तुम लोग देख सकते हो गाइस जैसे ही तुम लोग लॉग इन करोगे, तुम्हारे सामने जो है कुछ ऐसी
सी विंडो ओपन होने वाली है, जहाँ पे एक्चुअल में नीचे की तरफ में तुम्हें एक ब्लू कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही तुम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ये बेसिकली तुम्हें एक रैंडम एड दिखाने वाला है, और उस एड को कम्प्लीट कर लेने के बाद तुम्हें 20 मिनट्स का फ्री प्ले टाइम मिल जाने वाला है। बट अभी सिर्फ इतना ही नहीं यार, अभी और 15 मिनट्स का फ्री प्ले टाइम और बाकी है। तो उसे कैसे क्लेम करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो उसके लिए तुम्हें जो है ना बेसिकली स्माइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे ही जो है तुम लोग इस पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस आने वाला है, जहाँ पे नीचे की तरफ में तुम्हें एक्चुअल में एक चेकलिस्ट टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो तुम्हें जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही जो है तुम लोग इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने जो है कुछ ऐसा सा इंटरफेस आने वाला है, जहाँ पे नीचे की तरफ में तुम्हें एक्चुअल में एक ब्लू कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही जो है तुम लोग इस पर क्लिक करोगे, ये बेसिकली तुम्हें एक रैंडम एड दिखाने वाला है, और उस एड को कम्प्लीट करने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का फ्री प्ले टाइम मिल जाने वाला है। बट सिर्फ इतना ही नहीं यार, अभी और 10 मिनट्स का गेम टाइम और बाकी है। बट मैं जो है इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो उसकी प्रोसेस है ना, वो बेसिकली आगे ही आने वाली है। तो अब बात करते हैं कि यार तुम कैसे जो है इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे रन करने वाले हो। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो है सिमुलेटर की होम स्क्रीन पे जाना होगा, एंड सबसे टॉप पर ही तुम्हें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक गेम देखने को मिल जाने वाला है। और उसके बाद तुम्हें जो है सिंपली इस गेम पर क्लिक करना है, तुम्हारे सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। अब दिन के टाइम पर अगर तुम इस गेम को प्ले करने का ट्राई करोगे, तो तुम्हें बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा लंबी क्यू देखने को मिलने वाली है। एंड इसी क्यू के साइड में तुम्हें बेसिकली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही जो है तुम लोग इस पर क्लिक करोगे, तो ये बेसिकली तुम्हें एक रैंडम एड दिखाने वाला है, और उस एड को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा 10 मिनट्स का फ्री प्ले टाइम मिल जाने वाला है। तो टोटल में तुम्हें लगभग 45 मिनट्स का फ्री प्ले टाइम मिलने वाला है, जो कि यार मेरे हिसाब से तो काफी सफिशियंट टाइम है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्लाउड गेमिंग ऐप, जहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में थोड़े से प्ले टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। बट इस सिमुलेटर में तुम्हें वही प्ले टाइम बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, एंड मेरे हिसाब से तो ये काफी सफिशियंट टाइम है एक पीसी के गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेलने के लिए। तो होपफुली इतने सब के बाद तुम लोग जो है समझ गए होगे कि तुम लोगों को एक्चुअल में कैसे इस गेम को जो अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर रन करना है। तो एक बार मैं तुम्हें इस गेम को मेरे खुद के एक लो एंड डिवाइस में चलाकर दिखाने वाला हूँ, ताकि फिर कोई वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आके भैया ये सब ना कहे। तो चलो गाइस, फिर देरी किस बात की, जल्द से जाकर वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस गेम का एक एंड्रॉइड गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो चलो गाइस, फिर बिना किसी देरी के अपन अपने गेम को जो है स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो भाई यार जैसा कि यार यहाँ पर से जो है तुम लोग देख सकते हो, फाइनली अपना जो गेम है ना वो यहाँ पर से जो है स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें एक्चुअल में इस गेम प्ले में कोई भी लैग देखने को मिल रहा है? एंड आई नो कि गेम में 1% भी लैग देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यार जैसा कि मैंने तुमसे जो है वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि सब कुछ डिपेंड करने वाला है तुम्हारी इंटरनेट स्पीड पर। और अगर तुम्हारे पास एक अच्छी इंटरनेट स्पीड है, तो तुम बिना किसी दिक्कत के इस गेम को जो है अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर रन कर पाओगे। और अगर तुम्हारा गेम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि शायद से तुम्हारी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि गेम खेलते वक्त भाई तुम्हारा काफी सारा डेटा ऐसे ही फूकने वाला है, तो उसके लिए तो भाई रेडी रहना, बाकी ऐसी कोई और दिक्कत की बात है नहीं। तो चलो गाइस, फिर आज की इस वाली वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को जो आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो, मैं किसी को कभी फोर्स तो करता हूँ नहीं कि भाई मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, एक सीधी सी बात है कि अगर तुम लोग को जो है वीडियो अच्छी लगी, एंटरटेनिंग लगी, तो तुम लोग जो है वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर तुम लोग को जो है वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो तुम लोग जो है डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और बाकी यार, अगर तुम लोग जो है चैनल पे न्यू कंटेंट पसंद आ रहा है और ऐसा और टाइप का कंटेंट अगर देखना चाहते हो ना, तो तुम लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो गाइस यार, फिर आज की इस वाली वीडियो के लिए तो इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।